हम यहां इस बात के लिए एक साथ बैठे हैं कि विचार करें जिस तरह का जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसका उत्तरदायी कौन है। जीवन को सुखपूर्वक या दुखपूर्वक, ज्ञान के साथ या अज्ञान के साथ, अत्यंत वैभव समृद्धि के साथ या कि दीनहीन और दरिद्रता के साथ जीने की मजबूरी किसने हमें सौंपी है। क्या कोई इस सब का विधाता और स्वामी है क्या, जो हमारे जीवन को इस तरह जीने के लिए मजबूर करता है। और हमने बहुत स्पष्ट रूप से विचार करके ये जान लिया है कि ये काम किसी और का नहीं है, ये काम मेरे अपने कर्मों का है। मैं यहां निरंतर मन, वाणी और शरीर से जो भी करता हूं और जिस तरह के परिणाम या भाव मेरे होते हैं, मेरी थॉट्स और फीलिंग जैसी होती हैं वैसा मेरा जीवन निर्मित होता चला जाता है। मेरे अपने इस जीवन के निर्धारण में या कि मेरे अपने इस संसार के कर्मों को निर्धारित करने में मेरे साथ तीन लोगों की भागीदारी है। एक तो मेरी अपनी आसक्ति, मेरा अपना मोह, वो इसका पहला पार्टनर है। मेरे अपने जीवन को इस तरह से जीने के लिए मजबूर करने वाला पहला भागीदार अगर कोई है तो मेरा अपना मोह, मेरी अपनी आसक्ति है। और दूसरी, मेरे अपने वर्तमान पुरुषार्थ की दिशा, मेरे अपने वर्तमान पुरुषार्थ की चॉइस, मैंने जैसा पुरुषार्थ करने का तय किया है वो वैसा मेरे कर्मों को और मेरे जीवन को बनाने में दूसरा हिस्सेदार है। और तीसरी है मेरे अपने कर्मों को करने की अज्ञानता, मेरी अपनी लापरवाही, मेरी अपनी गाफिलता। ये तीन चीजें हैं जो कि मेरे जीवन को निर्मित करती हैं, जिनसे कि मेरे जीवन में और मैं इस संसार में जिनको देखता हूं उनके जीवन में जो विविधता है उस सब के लिए एक ही चीज है, उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला कर्म। कर्म किया भी जाता है, हम रोज कर्म करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने किए गए कर्मों का फल भी भोगते हैं, तुरंत भी भोगते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, वे भी हमें ही भोगना पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, उन कर्मों के फल भोगते समय मैं जैसे परिणाम करता हूं, जैसा मेरा पुरुषार्थ होता है, खोटे या भले मेरे भाव होते हैं, उससे मेरे आगे के कर्म मैं स्वयं निर्धारित कर लेता हूं।